गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिक्षा का प्रतीक पर। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग पीछे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट्स और बाकी के भी जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, ये सब टॉपिक्स ख़त्म कर चुके थे। नाउ इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो एज वी ऑल हैव डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कंप्राइजेज ऑफ मेनली 5 फंक्शंस। ये 5 फंक्शन से मिलकर बना हुआ होता है। जनरली POSDC, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो फर्स्ट फंक्शन इज़ प्लानिंग। प्लानिंग इज़ द फंक्शन ऑफ डिटरमाइनिंग इन एडवांस व्हाट इज़ टू बी डन एंड हु इज़ टू डू इट। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग एडवांस में चीज़ों का पता लगाना है कि, या पहले से डिसाइड करना है कि क्या करना है और किसे करना है। प्लानिंग एडवांस में पहले से ये डिसाइड करना है कि क्या करना है और किसे करना है। व्हाट इज़ टू बी डन एंड हु इज़ टू डू इट। दिस एम्प्लाइज सेटिंग गोल्स इन एडवांस। एडवांस में ही गोल्स सेट कर लेना, उन्हें अचीव करने के लिए वे को डेवलप करना। ठीक, किस तरीके से उस गोल को एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली अचीव किया जा सकता है, ऐसे रास्ते का चुनाव करना। ठीक, प्लानिंग जो होता है वो हमारे प्रॉब्लम्स को दूर नहीं कर सकता है। ठीक, बट उन्हें वो पहले से अंदाज़ा लगा सकता है, प्रेडिक्ट कर सकता है, और उसके लिए फिर एक कंटिजेंसी प्लान बनाया जा सकता है जिससे कि आने वाले जो भी मुसीबत है उससे हम लोग उसके होने वाले नुकसान को हम लोग कम कर सकें। प्लानिंग कैन नॉट प्रिवेंट प्रॉब्लम्स बट इट कैन प्रिडिक्ट दैम एंड प्रिपेयर कंटिजेंसीज प्लान टू डील विद दैम इफ़ एंड वैन दे अकर। तो जैसे कि दोस्तों, जैसे तूफान आने वाला होता है तो उसको हम लोग रोक नहीं सकते हैं, बट अगर पहले से हमको ये पता हो गए तूफान कब आने वाला है, कहाँ तक आएगा, उसकी क्या स्पीड होगी, तो उसके अकॉर्डिंगली पहले से प्लानिंग करके हम उससे होने वाले नुकसान को काफ़ी कम कर सकते हैं। तो उसी तरीके से प्लानिंग है, जैसे बिज़नेस में अगर हमको ये पता है कि मंदी आने वाली है तो उसके पहले ही बिज़नेसमैन अपने सारे जो सामान है उसको बेच करके खाली हो सकता है, जिस स्टॉक का दाम गिरने की उसको आशा है, और अपने होने वाले जो लॉस है उसको कम कर सकता है। तो इसीलिए प्लानिंग ज़रूरी होता है। आफ्टर प्लानिंग द ऑर्गेनाइजिंग इज़ देयर। तो ऑर्गेनाइजिंग इज़ द मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ असाइनिंग ड्यूटीज़, ग्रुपिंग टास्क, इस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी एंड अलॉकेटिंग रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक प्लान। ऑर्गेनाइजिंग क्या है? ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा प्रबंध का कार्य है जो ड्यूटीज़ असाइन करता है, टास्क को ग्रुपिंग करता है, मीन्स किसको क्या क्या करना है वो बताते हैं, किस किस ग्रुप में छोटे छोटे टास्क का डिवाइड करना, सबको अथॉरिटी बताना, कौन किसको ऑर्डर देगा, कौन किससे ऑर्डर रिसीव करेगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। ठीक, संसाधनों का बंटवारा करना, किसके पास कौन से, जो भी कंपनी के पास या संस्था के पास संसाधन हैं उनको सारे एम्प्लॉइज़ में बांटना, ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजिंग के अंडर में आती है। जैसे ही एक स्पेसिफिक प्लान बन जाता है लोग उसे ऑर्गेनाइज करने लगते हैं गोल के अचीव करने के वे में। ठीक, नाउ द नेक्स्ट कम्स स्टाफिंग। तो स्टाफिंग में, स्टाफिंग इज सिंपली स्टेटेड, एक लाइन में अगर स्टाफिंग को समझना है तो दैट इज़ राइट पीपल फॉर राइट जॉब। फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर राइट जॉब इट मीन्स दैट कि जो हम लोग जो ऑर्गेनाइजिंग करते हैं कि कौन सा काम किसको करना है। तो जैसे कि हम एक बिज़नेस चला रहे हैं, बिज़नेस चलाने के बारे में सोचे तो उसके लिए प्लानिंग कर लिया कि कितने पैसे हम लोग लगाएंगे, पूंजी स्टार्ट करेंगे, वो किस टाइप का बिज़नेस होगा, कौन से फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, सोल पार्टनरशिप होगा कि पार्टनरशिप होगा कि कंपनी होगा। ठीक, अगर हमने पार्टनरशिप कर लिया तो कौन पार्टनर्स कितने कितने पैसे लगाएंगे, ये सब प्लानिंग हो गई। ऑर्गेनाइजिंग में कौन से पार्टनर्स क्या क्या काम करेंगे, उसमें मैनेजर कितने रखने पड़ेंगे, एम्प्लॉई कितने रखने पड़ेंगे, लेबर कितने रखने पड़ेंगे, कंप्यूटर ऑपरेटर कितना रखना पड़ेगा, ये सब डिसाइड हो गए। उसके बाद स्टाफिंग जो होता है ब्रिंग लाइव्स टू द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक, उसके पहले क्या था, सारे कुछ पेपर वर्क चल रहे थे या एक दो पर्सन के माइंड में चल रहे थे सब कुछ। ठीक, स्टाफिंग जो होता है वो लाइफ ले आता है, लिविंग बींग ले आता है। इट इज़ द फंक्शन विच ब्रिंग्स अ लिविंग लाइफ टू द मैनेजमेंट। ठीक, क्योंकि यहीं से जो पर्सन होते हैं ह्यूमन बींग्स वो रिक्रूट होते हैं, इसमें रिक्रूटमेंट, सेलेक्शन, ट्रेनिंग, ये सारे फंक्शंस
इसी में आते हैं। प्लेसमेंट ये सब चीज़ें स्टाफिंग के अंतर्गत आती है। स्टाफिंग इज़ मेनली रिलेटेड विद द ह्यूमन रिसोर्स। तो सही पर्सन को सही काम सौंपना, सही क्वालिफिकेशन वाले को सही काम सौंपना, ये स्टाफिंग है। नाउ कम्स टू द डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग इन्वॉल्व्स द लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़ टू परफॉर्म द टास्क असाइन टू देम। जैसे स्टाफिंग में आपने स्टाफिंग कर लिया, उनको काम सौंप दिया, उनको पता है, पर उस तरीके का माहौल क्रिएट करना जिससे वो खुद से काम करने के लिए इच्छुक हो या ज़्यादा से ज़्यादा अपना 100% देने के लिए रेडी हो। तो इस तरीके का माहौल क्रिएट करना, उनको लीड करना, उनको इन्फ्लुएंस करना, प्रभावित करना, उनको मोटिवेट करना, ये सारी चीज़ें आती हैं डायरेक्टिंग में। तो डायरेक्टिंग उस तरीके से कि दिस रिक्वायर्स एस्टेब्लिशिंग एन एटमोसफियर दैट इनकरेजेस एम्प्लॉयज़ टू डू देयर बेस्ट। इसमें दो चीज़ होती हैं जो की कंपोनेंट्स होती हैं डायरेक्शन की, ये हमेशा पूछी जा सकती हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। दिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि मोटिवेशन एंड लीडरशिप आर द टू की कंपोनेंट्स ऑफ डायरेक्शन। मोटिवेशन एंड लीडरशिप आर टू की कंपोनेंट्स ऑफ डायरेक्शन। अब नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट इज मोटिवेशन? तो मोटिवेटिंग वर्कर मीन्स सिंपली क्रिएटिंग एन एनवायरमेंट दैट मेक्स देम वांट टू वर्क। ऐसे एनवायरमेंट को क्रिएट करना जिससे कि कर्मचारी को वर्क करने की इच्छा जागृत हो, वो काम करना चाहें। एंड लीडरशिप इज़ द इन्फ्लुएंसिंग अदर टू डू व्हाट द लीडर वांट्स देम टू डू। लीडर जो काम कराना चाहते हैं वर्कर्स या फॉलोअर्स वो काम करें, दैट इज़ कॉल्ड द लीडरशिप। और एक अच्छा मैनेजर जो होता है वो अ गुड मैनेजर इज़ ऑलवेज अ गुड लीडर ऑल्सो एंड अ गुड मोटिवेटर ऑल्सो। ठीक, वो अपने कर्मचारियों को प्रेज भी करता है, क्रिटिसाइज भी करता है, और इस तरीके से करता है कि वो अपने एम्प्लॉई को या अपने सबऑर्डिनेट्स के बेस्ट को निकाल सके। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द डायरेक्टिंग। एंड आफ्टर दैट वी कम्स टू द लास्ट फंक्शन, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या है? तो कंट्रोलिंग इज़ द मैनेजमेंट फंक्शंस ऑफ मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। इस पर कुछ भी नया चीज़ नहीं बता रहा है, ये सिंपली ये बता रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन जो परफॉर्मेंस है उसको मॉनिटर करना कि वो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के अकॉर्डिंगली चल रहा है कि नहीं। मीन्स ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी फंक्शन हैं वो एज पर प्लानिंग चल रहे हैं कि नहीं, इसी को वो मॉनिटर करता है। इसके जनरली इसको अगर हम चार पार्ट में डिवाइड करना चाहें तो इस कंट्रोलिंग के इन्वॉल्व्स पहला है एस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस। सबसे पहले आप एक स्टैंडर्ड सेट कर लेंगे कि आपको कितना करना है। जैसे कि अगर आपने कोई फ्लोर मिल अगर बैठाई है, तो आपने कुछ भी कोई भी प्रोडक्शन यूनिट बैठाया, हम एग्जांपल ले रहे हैं फ्लोर मिल का, तो यू हैव सेट अ गोल दैट कि पर डे 100 बैग्स ऑफ फ्लोर यू विल प्रोड्यूस। ठीक, 100 बोरी आटे का आप प्रोड्यूस करेंगे। नाउ अब आपने ये टास्क कर लिया, आपने ये प्लानिंग में ही क्या नाम है डिसाइड कर लिया, आपने गोल सेट कर लिया स्टैंडर्ड्स का। ठीक, मेजरिंग करंट परफॉर्मेंस। आपने एक दिन वर्क किया, दो दिन वर्क किया, और डेली मान लीजिए 97 बैग्स आप प्रोड्यूस कर ले रहे हैं, 3 कम हो रहे हैं, तो आप मेज़र करेंगे, आपने कंपेयर किया कि 3 कम हो रहे हैं या ज़्यादा हो रहे हैं। फिर जो डेविएशन आ रहा है, ये जो डिफरेंसेस होता है चाहे वो ज़्यादा है या कम है, तो डेविएशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है, मीन्स कम हो रहा है, तो उसके में हम लोग सर्च करेंगे कि ये क्यों कम हो रहा है, उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे और डेविएशन को कम करने की कोशिश करेंगे। मीन्स हम लोग करेक्टिव मेज़र्स लेंगे। ठीक, उसको करेक्ट करने के लिए अपने परफॉर्मेंस को जो भी कदम उठाए जाएंगे उसके बारे में सोचेंगे। तो पहला है सेटिंग परफॉर्मेंस, स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस। सेकेंड, मेजरिंग करंट परफॉर्मेंस। थर्ड, कंपेयरिंग विद दिस एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स। एंड फोर्थ इज टेकिंग करेक्टिव एक्शन वेयर एनी डेविएशन इज फाउंड। ये चार वर्क से जो है कंट्रोलिंग बनती है। इन पांचों फंक्शंस के ऊपर एक एक चैप्टर बना हुआ है, जो कि आप लोग आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में सारे फंक्शंस आप लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो ये सारे फंक्शंस की खूबी ये है कि सारे फंक्शंस स्टेप बाय स्टेप तो होते हैं मैनेजमेंट में, पर इनको कभी भी अकेले नहीं होते, ये सब इंटरकनेक्टेड होते हैं। मीन्स एक कहाँ ख़त्म हो रहा है और दूसरा कहाँ स्टार्ट हो रहा है, ये बताना मुश्किल होता है कि वे आर द प्लानिंग एंड्स एंड ऑर्गेनाइजिंग स्टार्ट, ये अक्सर मुश्किल होता है। ठीक, सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, और जैसे ही कंट्रोलिंग स्टार्ट होता है तो आप करेक्टिव मेजर्स लेने के लिए फिर से प्लानिंग करेंगे,
फिर से वो ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग सब कुछ स्टार्ट होगा। तो ये जो है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, दैट्स वाई मैनेजमेंट इज़ कॉल्ड द कंटिन्यूस प्रोसेस। सो फ्रेंड्स, दिस मच फॉर दिस वीडियो। वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।